ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर। एक गांव में विश्वजीत नाम का एक धनवान रहता था। वो लोगों को भाड़े पे पैसे देकर उनको तंग करके ब्याज की वसूली कर उनको सताता था। उस गांव में थोड़े किसान ट्रैक्टर के सहारे हल चलाते थे और थोड़े बैल के सहारे चलाते थे। विश्वजीत के पास बहुत ट्रैक्टर थे, उनको वो किसानों को भाड़े पे देता था। बार बार उसकी कीमत बढ़ाने के कारण किसानों को पैसे वापस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उस गांव में देवराज नाम का एक बूढ़ा आदमी था। वो एक बार विश्वजीत के पास ट्रैक्टर भाड़े पे लेता है, उसके सहारे अपने खेत में हल चलाया, बाद में उसको विश्वजीत को वापस करने पहुंचता है। कितने दिनों के लिए लिया ये ट्रैक्टर? 4 दिन ना, तो रोज के 2000 रुपए, माने 4 दिन के 8000, उस पर GST और CST मिलाकर हुआ 10000। पैसे भर के तुम निकल सकते हो। साहब, दिन का 1000 समझकर लिया था मैंने, आप भी 2000 बोलोगे तो कैसे चलेगा? और मुझे वो GST CST क्या है पता नहीं है, इसके बारे में आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। ओए दादू, पेट्रोल और डीजल के रेट तुम्हें बोलकर बढ़ा रहे हैं क्या? किराना सामान सब्जियों का रेट तुमसे पूछकर बढ़ा रहे हैं क्या? ये भी वैसे ही है, GST सरकार को दिया जाता है, उसको तुम्हें ही भरना पड़ेगा, मुझे नहीं। बेकार में समय को बर्बाद मत करो और पैसे भरो, नहीं तो तुम्हें इस पेड़ से बांध कर रख दूंगा। तो देवराज मजबूर होकर पैसा जमा करके वहां से चला गया। थोड़े दिनों में देवराज को फिर से खेत में हल चलाना था। घर पे अपनी बीवी और बेटियों से, बारिश का मौसम आ रहा है, इतने में खेत में हल चलाकर तैयार रहना होगा, हमारे पास बैल भी नहीं है, क्या करूं पता नहीं चल रहा है, ट्रैक्टर के लिए विश्वजीत के पास जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं भगवान, लगता है इस बार किसानी छोड़कर कहीं मजदूर नहीं बनूंगा तो हमारी भूख नहीं मिटेगी। पापा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ट्रैक्टर और बैल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे खेत को हम ही संभालेंगे, नहीं तो बारिश का मौसम आ जाएगा, हम और कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगले दिन उसकी बेटियां हल को खींच रही थी और देवराज हल पर चढ़ गया और खेत की जुताई करने लगे। उसके पीछे उसकी पत्नी बीज को बिखेर रही थी। ये सब एक युवक ने वीडियो निकालकर सोशल मीडिया में अपलोड किया और वो वीडियो जैसे तैसे वायरल होता गया। बहुत लोग उस वीडियो को देखकर, अरे रे इन लड़कियों को इतनी दिक्कत क्यों आ गई, सोच रहे थे। उस गांव के पास ही एक सिनेमा शूटिंग चल रही थी, उसमें हीरो और विलन के बीच में लड़ाई वाले सीन की शूटिंग चल रही थी। उसके हीरो और विलन आमिर भाई और सोनू भाई अपने फोन देखते हैं। सोनू भाई उस वीडियो को देखकर, हीरो सर देखा इन लड़कियों को कितना कष्ट उठा रहे, इन लड़कियों के लिए नहीं बल्कि मुझे इस आदमी के लिए मदद करने का मन कर रहा है, हमारा क्या लेना देना, ऐसे हर किसी की मदद करने लगोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे, अपने काम पर ध्यान दो, पैसे बनाने में लगो, दान करने में नहीं, चलो चलो। लेकिन सोनू भाई अगले दिन खेत के पास पहुंचता है। वहां उनको देखकर, आपका कष्ट देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपको मैं ट्रैक्टर खरीद के दूंगा। वहीं पर खड़ा विश्वजीत, हेलो सिनेमा का सीन लग रहा है क्या, इस गांव में ट्रैक्टर खरीदना है तो मेरे पास ही है, मैं इनको ये ट्रैक्टर लेने नहीं दूंगा और दूसरा ट्रैक्टर को इस गांव में आने भी नहीं दूंगा, मेरे आदमी इसको रोक देंगे, जाओ और अपनी शूटिंग खत्म करो। वैसे कितने लोगों को ऐसे ट्रैक्टर खरीद के दोगे, इस गांव में कितने लोगों को ट्रैक्टर की जरूरत है तुम्हें पता है क्या, जाओ जाओ अपना काम करो। देखिए आसपास वालों को उनकी समस्या में मदद करने के बजाय मदद करने वालों को भी रोक रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, मैं तुम जैसे लोगों से डरता नहीं हूँ, कल ही यहाँ ट्रैक्टर के साथ आऊंगा, तुम्हें हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। वैसे अगले दिन गांव वाले उत्सुक होकर आगे क्या होगा देखने के लिए वहाँ पहुँचे। तब सोनू भाई एक ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर में वहाँ पहुँचता है। हवा में उड़ते वक्त वहाँ की जनता आश्चर्य से देख रहे थे। वो ट्रैक्टर सीधे आकर देवराज के खेत में उतरता है। उसे सोनू भाई उस पूरे खेत की जुताई उस ट्रैक्टर के सहारे करता है। ये देखकर गांव वाले खुशी से ताली मारने लगे। मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ट्रैक्टर की जरूरत है, अब से इस ट्रैक्टर को
तुम में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे गांव में भी इसका उपयोग हो, इसलिए ऐसे डिजाइन करवाया। इसका पूरा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। आज से इस प्रांत में किसी को ट्रैक्टर के लिए समस्या नहीं होगी। ये सुनकर वहाँ की जनता खुशी से ताली बजाने लगे। वैसे उस गांव में एक किसान का काम खत्म होते ही उसको उड़ाकर दूसरे खेत में ले जाती हैं। उसकी खेत की जुताई के बाद ट्रैक्टर उड़ते हुए दूसरे खेत की ओर गया। उस ट्रैक्टर की मेंटेनेंस के लिए सोनू भाई ऑनलाइन में पैसे भरता रहता था। वैसे सोनू भाई सिनेमा में विलन था, लेकिन निजी जीवन में हीरो था। उसके ट्रैक्टर्स को कोई भाड़े पे ना लेने के कारण विश्वजीत को नुकसान पहुंचा। अगर हमारे पैसे आसपास वालों की मदद करने में काम ना आए तो उन पैसों का क्या फायदा दोस्तों? एंग्री बुल। मायानगर नाम के गांव में करमचंद नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत मशक्कत से कपड़े सीकर अपने परिवार का पोषण करता रहता था। उसी गांव में कटप्पा नाम का एक सांड था। वो किसी से कुछ नहीं कहता, पर यदि कोई बाइक पर तेजी से जाता तो ये सांड उसका पीछा करके उसको डराता रहता था। उस आसपास के गांव में दो दादा रहते थे। उनका नाम था विक्की और लकी। लोग उनसे डरते थे और उन्हें मामूल देकर लोग बड़े दुखी रहते थे। वे दोनों एक बार बाइक पर उस गांव में आए। वहां एक दुकानदार से लकी, अरे सुन, अब ये 1000 रुपए दोगे तो नहीं चलेगा, 1200 रुपए देना होगा वरना हमारे हाथों मरेगा। वो आदमी पैसे देने ही वाला था कि एक एसआई वहां आया। ए, तुम दोनों के चलन कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम लोगों ने अपना धंधा नहीं बंद किया तो अंदर बंद कर दूंगा, खबरदार। क्या सर, आप भी सवेरे सवेरे, आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? आप अपने आप को सिंघम का अजय देवगन समझते हैं क्या? हम कोई धंधा नहीं कर रहे हैं सर, हम सिर्फ लेन देन के काम करते हैं। क्यों भाई, अभी जो तुमने 1200 रुपए दिए हैं वो ब्याज के पैसे ही है ना? हाँ, वो पैसे ब्याज के ही हैं सर, मैंने इनसे पैसे उधार लिया था। देखा सर कि वो क्या कह रहा है। वैसे भी हमारे खिलाफ कंप्लेंट कोई देगा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ईमानदार लोग हैं। जाइए जाइए सर, अपना काम कीजिए। ऐसे ही कुछ कह नहीं पाया और वहां से चला गया। एक बार लकी और विक्की करमचंद के पास आए। अरे सुन, तू कब से ये दर्जी का काम कर रहा है? दिन में कितना कमा लेते हो? चुपचाप 5000 दो। नमस्कार साहब, मैं 10 साल से दर्जी का काम कर रहा हूँ। दिन में 200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ सर। इन पैसों से घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है साहब। मेरी हैसियत ही नहीं कि मैं आपको 5000 रुपए दूँ। बड़े बड़े व्यापारियों से आप मामूल लोगे तो ठीक है सर, पर हम जैसे गरीबों से आप पैसे मांगोगे तो हम क्या करेंगे? ए, तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। इस इलाके में कोई जितना मर्जी कमा ले, हमारा हिस्सा में मिल जाना चाहिए। बस हम 4 दिन बाद लौटेंगे, तब अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो समझो हमारे हाथों पिटोगे, खबरदार। यूं धमका कर वो चले गए। करमचंद सोच ही रहा था कि भगवान मैं अब क्या करूं, तभी कटप्पा वहां आया। उसे हर दिन की तरह करमचंद ने केले दिए। इतने में एक बाइक को तेजी से आता हुआ देख कटप्पा उसके पीछे लग गया। ये देख करमचंद के दिमाग में एक उपाय सूझा। तुरंत एक लाल पैंट और लाल शर्ट पहनकर, हेलमेट पहनकर कटप्पा के पास आया। एक डंडा लेकर कटप्पा को छेड़ने लगा। बस उसे बहुत गुस्सा आया, वो करमचंद के पीछे पड़ गया। तो करमचंद भागने लगा। यूं वो हर रोज उसे छेड़ने लगा। बाद में करमचंद लकी और विक्की से मिलकर, साहब आपने जो 5000 रुपए मांगे हैं उसे देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, अगले सोमवार को आइए तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। आपके इस दया दृष्टि के बदले में मैं आपके लिए एक कपड़े सीकर लाया हूं सर, ये लाल कपड़े ही लेटेस्ट फैशन हैं, कहकर उन्हें कपड़े दिए। सोमवार को लाल रंग के ड्रेस में सिर पर हेलमेट पहनकर बाइक पर दोनों करमचंद के दुकान पर पहुंचे। वाह, एकदम फिल्मी हीरो दिख रहे हैं सर दोनों। आपके उदारता के बदले में कुछ करने का दिल कर रहा है सर। इससे पहले कि मैं आपको वो पैसे दूं, आप एक छोटा सा काम करें। हमारे गांव में एक जादुई सांड है, वो देखिए सर, वही है, उसकी जादू की शक्ति बहुत है सर। इस छड़ी को
आप उसके सामने 3 बार घुमाकर नाचेंगे और फिर उस छड़ी को अपने घर में जाकर रखेंगे तो बहुत लाभ होगा सर। अरे तुम हमारे लिए इतना सोचते हो, धन्यवाद, जरा वो छड़ी देना, कहकर उससे छड़ी लिया। बाद में दोनों सांड के पास गए और उसके चेहरे के सामने छड़ी को 3 बार घुमाया और नाचने लगे। यह देख कटप्पा भड़क गया, जोर से रेंगा और उनके पीछे पड़ गया। वे बाप रे बाप रे बाप रे कहकर भागने लगे। दोनों को सींग मारा और उठाकर फेंका। फिर दोनों बाइक पर जाने लगे तो कटप्पा बहुत दूर तक का पीछा करने लगा। उसने फिर उन्हें सींग मारा तो वो बाइक के साथ उछल कर जा गिरे। फिर उठकर भागने लगे तो कटप्पा उनका पीछा करने लगा। उस सांड के डर से उस गांव में वो फिर कभी नहीं आए, तो करमचंद के साथ साथ गांव वाले भी चैन की सांस लेने लगे।